हजरत इमाम हुसैन के 40वें के अवसर पर दुर्ग के ईरानी समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें उपस्थित ईरानी समाज के युवाओं ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर खूनी मातम मनाया। मुहर्रम के 40 दिन बाद हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उनके चहलुम पाक अवसर पर ईरानी समुदाय द्वारा दुर्ग के ईरानी डेरा से मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईरानी समुदाय के पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर इमाम हुसैन की याद में बनाए गए ताजिया और अलम को साथ लिए शहर के मुख्य मार्ग होते हुए चौक चौराहों पर रुककर खूनी मातम मनाया। इस अवसर पर जुलूस ईरानी डेरा से निकलकर गौरव पथ होते हुए पटेल चौक पहुंचा, जहां ईरानी समुदाय के युवाओं द्वारा खूनी मातम मनाया गया। साथ ही जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ ईरानी डेरा में समाप्त हुआ। इस अवसर पर ईरानी समुदाय के पाशी अली हुसैन, नासिर अली सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में ईरानी समुदाय के मौलाना मोहम्मद आमिर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि आज दुर्ग में रहने वाले तमाम शियाने हजरत करार में जुलूस की शक्ल में इमाम हुसैन के छोटे कुर्बान से जुलूस निकाला है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि आखिर जुलूस किसने निकाला है, गया है कि लोगों की याद में निकाला गया है। और मैं उनके सवाल के जवाब के लिए इतना कहना चाहूँगा कि आज से 1400 साल पहले एक शख्स गुजरा है जिसका नाम यजीद था, और यजीद ये चाहता था वो दीन का खात्मा करे, इस्लाम का खात्मा करे, मजहब का खात्मा करे, और फकत मजहब का खात्मा ही ना करे बल्कि इंसानियत को खत्म कर दे, इंसानियत को इस दुनिया से मिटा दे। और वो हर उस चीज़ को जायज़ समझता था जो चीज़ें ज़ाहिर है इंसानियत के लिए बुरी हैं, इंसानियत को नुकसान दे, जैसे रिश्वत है, घूस है, सूद है, ये सारी चीज़ें वो जायज़ समझता था। हुसैन इब्ने अली जो कि नवासे रसूल हैं, नवासे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने उस यजीद के ख़िलाफ़ क़याम किया और क़याम करके करबला पहुँचे। और जब यह काफिला इमाम हुसैन का करबला पहुँचा तो यजीद जैसे हाकिम जाबिर ने अपने हुक्मरानी के दबाव में कुछ लोगों को भेज करके इमाम हुसैन को कत्ल करवा दिया। और ज़ाहिरन इमाम हुसैन का खून तो बह गया, लेकिन ये बहा हुआ खून आज तक इंसानियत की हिफाजत कर रहा है। अगर आज इंसानियत बाकी है तो यकीनन खून हुसैन का सदका है। आज अगर दुनिया में महरम और नामहरम का पास लिहाज है, लोग इज्जतों की पासदारी करते हैं, मुझे गुरु नानक की एक बात याद आ रही है और इसी बात अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा कि गुरु नानक ने के शागिर्द ने, गुरु नानक के स्टूडेंट ने गुरु नानक से एक मरतबा पूछा, आखिर ये हुसैन है कौन जिसे आप मानते हो, जिसे आप चाहते हो? गुरु नानक ने अपने उस स्टूडेंट, उस विद्यार्थी, उस छात्र से कहा कि जा तुम अपने बहन से शादी कर लो। उस छात्र ने फौरन पलट कर कहा, सर ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने बेटे से शादी कर लें, अपनी बहन से शादी कर लें? तो गुरु नानक ने जवाब दिया कि कौन सी चीज़ तुम्हें रोकती बहन से शादी करने के लिए? तो उस स्टूडेंट ने कहा कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। उस फिर गुरु नानक ने जवाब में दिया कि जो तुम्हारी ज़मीर की आवाज़ है, इसी हुई आवाज़ को हुसैन कहते हैं, कि अगर ये हुसैन ना होते तो आज महरम और ना महरम का, भाई बहन का, रिश्तों का कोई पासो लिहाज ना होता। लिहाजा उसी हुसैन को यजीद ने करबला में शहीद किया, उसी हुसैन को यजीद ने करबला में जुल्म व बर्बरियत के साथ कत्ल किया था। आज ये जुलूस उसी हुसैन की अजमत, उसी हुसैन का ऐलान कर रहा है और ज़माने वालों को बता रहा है कि तुम गला काट के सोच रहे थे कि हुसैन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज हुसैन का नाम लेना ये बता रहा है कि हुसैन जीत चुके हैं, यजीद का खात्मा हो चुका है, इंसानियत आज जिंदा है और जब तक कयामत रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।